बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किरण चटपटा, किचन विद किरण से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़े की दही फुल्कियाँ बनने जा रही हैं। चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। दही है मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब। ये मेरे पास बूंदी है 2 कप। इसे मैंने भिगो के रख दिया था और इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन करके इसे खुश कर लिया हुआ है, बिल्कुल निचोड़ के पानी हाथों से। आलू है मेरे पास तकरीबन 4 से 5 अदद के करीब। ये चने हैं मेरे पास 1 से 1.5 कप के करीब बॉयल हुए हैं ये भी। ये मेरे पास जी स्पेशल चाट मसाला है, चटपटा किचन का स्पेशल। और ये मेरे पास धनिया और पुदीने की चटनी है। इसमें मैंने हरी मिर्ची और ज़ीरा और नमक डाल के इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और ये मेरे पास तकरीबन 1 चम्मच के करीब है। अच्छा, सैलड में मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी ऑप्शनल हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। खीरा है मेरे पास तकरीबन आधा, और प्याज है, बंद गोभी है, हरी मिर्ची है और टमाटर है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दही में मैंने चाट मसाला मिक्स कर दिया था, साथ ही मैंने ग्रीन चटनी भी डाल दी थी। उसके बाद मैंने बूंदी डालना शुरू कर दी थी इसमें, साथ ही आलू मिक्स कर दिए थे और सबसे लास्ट में चने शामिल किए थे इसमें। और ये मैंने थोड़ी थोड़ी इसमें से सैलड लेके इसमें शामिल करना शुरू कर दी थी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे हमने दोबारा से दूसरे बाउल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। बहुत मज़े की बनती है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और चाट मसाला किस किस ने ट्राई किया है आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा फीडबैक में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर डेकोरेशन जैसे कहते हैं ना, वो मैंने शुरू कर दी थी करना और ये फटाफट से रेडी भी हो गई थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और घर से बाहर बिला वजह मत निकलें, अपना ख्याल रखें। आपको पता है कि बाहर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, तो घर में रहें, महफूज रहें और बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।